पास आए हैं जो हारमोनियम सीखने के लिए हम बोल रहे थे, तो दादा दी जो है सिखाते हैं, तो हमारे जो अजय भाई हैं यही सीखना चाहते हैं, हम भी देखेंगे, अगर इंटरेस्ट तो हमें है नहीं, और दादाजी बताएंगे कैसे क्या सिखाते हैं। तो अगर दादाजी अगर किसी को आप हारमोनियम सिखा दें तो कितने दिन में सिखा देंगे आप? वो आपकी दिमाग की दिमाग के ऊपर है जो सीखता है, मतलब जो सीखता है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं मेधावी होते हैं, तेज होते हैं, तो जल्दी समझ में आ जाता है, प्रैक्टिस भी जल्दी कर जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बार बार उसको बताओ, बार बार वो उनको वो सही बताई जाती है। अच्छा, हम एक कहने का मतलब हमारा ये है, अगर जैसे हम जैसे काका गागा ऐसे लिखा जाता है, अगर उसे हारमोनियम पे हर एक वर्ड लिख दें, इससे तो याद करने में और सीखने में आसानी होगी। स्वर पहचानने की बात होती है, स्वर पहचानने की, समझ रहे हैं? जैसे इसी किसी एक स्वर को आप सब कहाँ से होता है, कहाँ से होता है, तो इसको कम से कम 12 जगहों से एक ही चीज को 12 जगहों से पढ़ाया जाता है, तरीका उसको बता दिया जाता है कि ये तरीके, पता नहीं आदमी कौन सा गाना गा जाए, पता नहीं किस स्वर से गा जाए, है किसी की नीची आवाज़ होती, किसी ऊंची होती। हाँ तो ठीक है, देख सकते हैं गाइस, अभी दादाजी जो है इन्हें सिखाएंगे हारमोनिया के साथ, और दादाजी कैसे बजाते हैं अभी आपको देखने को मिलेगा, और हमारे अजय भाई जो हैं सीखेंगे, और अगर मन लगा के सीखेंगे तो इनके ऊपर है दादाजी अभी आपको बोले तो, देख सकते हैं। अगर आप लोग भी सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूँगा, आके दादाजी से सीख सकते हैं। आप तो सारे गामा पादानी पूरा मोमेंट जो है रुझाव उसी तरफ होना चाहिए, जिसे हर एक मोमेंट छोटी छोटी या बड़ी चीज, जैसे कोई चीज आप देख रहे हैं तो उसको पूरे गौर से देखो, पूरे एकदम नग्नता से उसको पूरा नंगा कर दो, बिल्कुल पूरी तरह से देखी लो, समझ लो, तो उसके बाद क्या होता है, ये तो बिलीन हो जाएंगे, रह जाएगा वो स्वर, समझ में आई बात? आप इसकी इसको मर्म को भेज करके इसकी आत्मा तक पहुंच जाएंगे, समझ रहे हैं? ये इतनी सी बात है, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन है बहुत बड़ी चीज। हाँ, अगर ना सीख है तो साथ ही स्वर, लेकिन इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, मतलब कोई ऐसा स्वर नहीं है जो इसमें ना आए, इसी के अंदर सारे गांव पधनी के अंदर ही पूरा संसार पूरा ब्रह्मांड समाया है, यानी ये इसका गर्व है। तो मन बनाने के लिए इसको पूरी पूरी तरह से बताओ, कोई चीज छूटी न जाए, पता नहीं कोई क्या क्या तो समझ में आ गया आपके रे का जैसा है, रे है जो इसी का जो एक कोमर जो होता है, ये है ने इसके लिए निशान बनता है, ऐसे ये कहते हैं इसको रे कोमल, है गा कोमल, इसका भी निशान बनेगा, ये निशान बनेगा। अच्छा, जो नीचे वाला स्वर व्हाइट वाली बटन है, एक कोमल वाली स्वर है ना? हाँ हाँ, गा है, ए भी गा है, माँ है, तो इसके बाद ये माँ जो होता है ये तीव्र होता है, इस पर खड़ा निशान लगता है, माँ तीव्र, पाँच चौकेला ये है, काका कोमल होता है, देख रहे हो ना, नी का कोमल होता है, तो इनका भी निशान बने होंगे इस तरीके से, ये शुद्ध स्वास्थ्य होते हैं, पांच विकृत, विकृत माने खराब बिगड़े हुए, जिसको बनाना पड़ता है मिला के, वो बिगड़े हुए बने ही हैं, वो बिगड़ा हुआ है उसी को विकृत हैं वो, तो ये स्वास्थ्य हो गए कि इनमें ये भी जो है सा है,
ऐसा और पा जो है ऐसा ही है, यानी इसमें क्या है एक ही बार अकेले है, बाकी रे का कोमल होता है, गा का कोमल होता है, माँ का तीव्र होता है, गा का कोमल होता है, नी का कोमल होता है, फिर यही सा जो होता है वो आठवां स्वर जो होता है यही सा हो जाता है। तो इस सा को इसमें इसमें चिच्ची नहीं होता, ऊपर बिंदी लगती है सा। अच्छा, वो और ये जो इधर यही जाके वहाँ सा हो जाता है, फिर उधर से फिर वही क्रम स्टार्ट हो जाता है। हाँ, वही से होगा, जैसे शुरू में इतना स्टार्ट है, फिर वैसे जैसे अभी है अरे गामा पधारी, तो इसको सा कर देंगे, हो गया ना। तो यहाँ से चल सा नी धा पा मा गा रे सा, समझ आ गया। समझ गए। अच्छा, जब एक बार कर लेते हैं तो उसके बाद दो दो बार करते हैं, सा सा रे रे गा 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 पा मा पा पा धा धा नी नी सा सा, जब जैसे वैसे गए हैं फिर सा सा नी नी गा गा पा पा मा मा गा गा रे 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 सा सा, हो गया ना। फिर जब उसे तैयारी हो गई फिर तीन बार करेंगे, यानी सात बार तक करना होता है। डबल बार करके, डबल तो है ही है, डबल नहीं, पहली बार एक बार, दूसरी बार दो दो बार, तीसरी बार तीन तीन, तीन, तीन बार, अच्छा चौथी बार चार, मतलब सात बार इस तरह से। जैसे खंड, एक खंड है। हाँ, समझ गया मैं, पूरा खंड करना होता है। जब इसको कर लेंगे तब उसको आगे बढ़ाएंगे, इसे आप बढ़ लीजिए, समझो ये थीम आपके दिमाग में आना चाहिए। और समझ तो दो बार तीन बार, तीन तीन बार, हो गया। अब चार बार, यानी आप सोचे नौ बार करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, नौ बार करना पड़ेगा। हाँ, कि सात बार, सात बार नौ पूरा होता है। नौ करिए उसको, वैसे तो होते हैं प्रयोग करने के लिए पंद्रह पंद्रह करते हैं, जैसे कुछ गाने होते हैं और उसे पंद्रह बार इस्तेमाल हुआ है।
हैं, एक ही पर हुआ है। अब एक ही पर आपने यहाँ पर छह बार किया, कैसे काम चलेगा? हैं, लेकिन आपको इतना बता दिया जाता था कि आपकी हैबिट पड़ जाए, आदत पड़ जाए, तो जब इतना कर ले जाओगे तो उतना नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल हो जाएगा। जब जैसे नेशनल सॉन्ग है, राष्ट्रीय गीत है, देखो जिसे जनगण मन अधिनायक का जो है मार्ग भाग बिछाता है, देखिए देख रहे हैं ना, तो ये तो हो गए, लेकिन कितनी बार लगा है कौन सर, उतनी बार दोहराना है ना कि ज्यादा। आप दबा रहे हैं लेकिन आवाज आपके कान में होनी चाहिए। क्या आवाज आ रहा है? जय ये तो आपका नाम है नीतीश नीति है दो आदमी आए तो यहाँ तक किए हैं। अलंकार है शुद्ध स्वरों में। आगे निकलेंगे इस सब है, इसमें बहुत चीजें छोड़ छोड़ के मोट मोट हैं ये। बीच की चीजें बहुत छोटी है, उसको समझना पड़ता है तब नोट कराते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे। एक काफी बना के उधर तो देख सकते हैं गाइस, दादाजी राष्ट्र नहीं वो सब हाँ, तो मतलब सारे गामा पा ये तो मतलब ये है, जब तक अच्छा नहीं जान जाओगे। हाँ, तो अच्छा जानने के बाद जो है जैसे स्वर और व्यंजन नहीं जान पाओगे तो अपना काम कैसे कर पाओगे? वरना कर लिया भी तो ये कैसे कर पाओगे? स्वर और व्यंजन इसे सीखना होगा। हाँ, सीखना होता है। उसी तरीके से हर विद्याएं हैं, तबले का है, इसका है, सिंसाइजर है और एकॉर्डियन है। अच्छा, स्वरलायम स्वरलायम म्यूजिकल अच्छा स्वरलायम म्यूजिकल कंपनी का है, यहाँ लिखा हुआ है या नहीं? हम इसकी मरम्मत की गई थी। अच्छा, और चपकाया। हाँ, स्वरलय स्वरलयम स्वरलयम म्यूजिकल। हाँ, म्यूजिकल सभी प्रकार के
वाद्य यंत्र के यंत्रों के क्रय एवं मरम्मत की करता। दो चलो दो चलाओ एक दो अच्छा ये दोनों हाँ एक दो करो पहले एक दो बोलते जा रहे हैं बिना बोले आप लगा दिए तर्जनी मध्यमा गुटा लेके चल रहे बटोरिए कौन है दिशा में लेके चल रहे बटो ये पहले जमाने में नदिया के पार में है क्या ये अच्छा नदिया के पार हाँ तो इसमें जो हमारे पहले प्रिंसिपल थे उन्हीं उसी बगल में उनका घर है जहाँ पे शूटिंग हो रहा था अच्छा। बता रहे थे नदिया के पास ये से चला।
नहीं कभी ना आएगी, इतना सीखने में जो जैसी मतलब उंगलियां, इतना सीखने में कम से कम महीना लग जाएगा। महीना कर रहे हो और ज्यादा लगेगा। कहाँ कब कब ऐसे कब करना है तो ये तो सीखना पड़े। मान लो सारे गामा पासा ये तो दो तीन दिन इसी से ये समझ में आता है आवाज का। आवाज जब आ जाएगी जो सारे गामा पा है। अच्छा जो सारे गामा पा यहाँ तक है ना, यहाँ तक है और ये सब जो ये है, वही छह लेकिन सब वही है। एक यहाँ से है, एक हो गया हाँ, दो सब तक हो गया, तीन सब तक हो गया, तीन सब तक का वजह होता है पौने चार सब तक कम है देश में, यहाँ तक होना चाहिए। चार सब तक बच्चों का होता है, ये फीमेल का होता है, ईमेल का होता है, मंजर का होता है, चार वर्गों में बांटा जाता है। अच्छा कोई ऐसा सॉन्ग जो मतलब जो ट्रेंडिंग में भी चलता हो कोई उस पे सुना दीजिए, जो मतलब भोजपुरी हो या हिंदी हो, जो अभी फिलहाल में आया हो कोई, चाहे जो सॉन्ग कोई है आपके पास सॉन्ग अजय? एक हम सॉन्ग निकाले हैं, हम गाना खुद एक ही गाना गाए हैं है। भोजपुरी है, कौन गाना है थोड़ा दूसरे बोल बोल। बिना पियावा के मन मोरा भटकाता, ई जवानी के न पानी मोरा अटकाता, बिना पिया वो ओन की आई। हां बहुत नीचे से गल जाती है, एक कर नीचे का जो जिंदगी से बिल्कुल नीचे है। बिना पियावा के मन मोरा और चाहिए, बिना पियावा के मन मोरा भटकाता, ई जवानी के न पानी मोरा अटकाता, जाई के सहार में काठोर भैले पियावा, अरे जाई के सहार में काठोर भैले पियावा, किरातिया में सोईले दवाई के तापियावा, किरातिया में सोईले दवाई के तापियावा। समझ न आवे दिल के बतिया के करा से हम कहीं हो, बिना नितिशो के भी तो न लागे कबले तनहा रही हो, राजिंदर दीवाना इनके परदेसवा से ले आवा, बिकरवनी तीन से इनके परदेसवा से ले आवा, अब कैसे जान गए कौन सा बोलेगा। अभी तो अननोन जंग मारी है ना, एक नून होता है बांध कर देते ना वही रिकॉर्ड चल रहा है कि उसमें कैसे कोई गा लेगा, कोई गाना गाता है कैसे आप उसको पकड़ेंगे इसकी आवाज को, ये स्वर से कैसे पकड़ा जाता है। हाँ जैसे आपको जो मालूम होगा इस ईट से स्वर निकलता है, इस उंगलियों को चरण क्या है। अब जैसे ये आप बिना पियावा के मन मोरा भटकाता है ना, अब जैसे इतना ही करने में लड़े लग जाएंगे, जिसको नहीं आता है। अब सास सास बजाने में बहुत दूर है, बता दो फिर भी जल्दी नहीं आएगा। सही, साथ साथ नहीं बजा पाएंगे, साथ की बात है वो तो बहुत बड़ी बात हो गई, जिसको जान भी नहीं रहे हैं आप कैसे बजा लेंगे, नहीं बजा पाएंगे।
तक वो होना चाहिए। और कितने लोग ऐसे सिखाते तो हैं, पढ़ाने को बहुत पढ़ा देंगे, खुद नहीं बजा पाएंगे। सही है। अभी तुम्हारे जो म्यूजिक टीचर हैं उनसे कहा जाए ऐसे एक जगह से बजा रहे, उनसे कहो एक स्वर नीचे से बजाओ, तो एक स्वर नीचे आएंगे तो उनके फुलका उतरिए, वो जहाँ से उनका हैबिट बना हुआ है वहीं से बजा देंगे।